राजाधिराज ने हस्तिनापुर को भारतवर्ष की राजनीति की मुद्रिका में मंगल मणि के प्रकार बिठला दिया है। सारा देश हस्तिनापुर का नाम मंत्र की तरह जप रहा है। हमारे महाराज चक्रवर्ती होकर लौटे हैं तो क्या उनके प्रति हस्तिनापुर का कोई कर्तव्य नहीं? तादगुरु श्री भीष्म, भ्राता श्री धृतराष्ट्र और सामंती मित्रों, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम भी महाराज की सेवा में कुछ भेंट करें? महामंत्री विदुर, तुम कहना क्या चाहते हो? प्रजा अपने राजा को स्नेह, निष्ठा और आदर के सिवा और दे ही क्या सकती है? विश्राम तात गुरु, प्रजा का आनंद मग्न होना ही राजा का विश्राम है महामंत्री विदुर। विदुर ठीक कहते हैं महाराज। राजा का शरीर कोई विशेष तत्वों का तो बना नहीं होता कि उसे विश्राम की आवश्यकता ही ना हो। विजय जितनी बड़ी होती है महाराज, उसके उपरांत थकान भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए शांति की इस ऋतु में प्रजा को यह अधिकार है कि महाराज महारानियों सहित कहीं विश्राम के लिए चले जाएं। इनके पीछे राज्य कार्य देखने के लिए धृतराष्ट्र तो है ही। यह कैसे हो सकता है तात्री? यदि मैं जाऊंगा तो भ्राता धृतराष्ट्र भी जाएंगे। मैं जाकर क्या करूंगा? मैं नेत्रहीन, पत्नी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हम दोनों के लिए तो ये अनंत अंधकार ही विश्राम है। महाराज, आप मुझे हस्तिनापुर में ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं इसकी परछाई हूं। इससे अलग तो मेरे होने या ना होने का अर्थ ही नहीं है महाराज। आप मुझे महाराज न कहा करें भ्राताश्री। धृतराष्ट्र महाराज को महाराज न कहे तो क्या कहे महाराज? आप धृतराष्ट्र से छोटे अवश्य हैं, परंतु यह राज सिंहासन भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों से ही बड़ा है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अभी भी समाचार मिला है कि पांचालों ने गढ़ मुक्तेश्वर पर अपना ध्वज फहरा दिया है। इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज का कष्ट करना उचित नहीं। लोग कहेंगे कि अब पांचालों के लिए भी स्वयं महाराज ही कष्ट करने लगे। यह हस्तिनापुर का अपमान है। ऐसी राज्य सेवाओं के लिए ही भीष्म है महाराज। मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा सर आंखों पर ताश्री, पर अब तो मैं खड़ा हो चुका हूं। अब मैं अवश्य जाऊंगा। वापस चलो। महाराज पांडुकी, महाराज पांडुकी, महाराज पांडुकी, महाराज पांडुकी। प्रणाम ताच्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम भ्राता। उस दिन पांचाल नरेश की सेनाओं के बीच में आने के कारण महाराज के विश्राम की बात अधूरी रह गई थी। क्या समय नहीं आ गया महामंत्री विदुर, क्या वो बात पुनः आरंभ की जाए? जो आज्ञा तात्री। महाराज के लिए विश्राम वाटिका तैयार की जा चुकी है। तो फिर मेरा प्रस्ताव है कि विश्राम के लिए महाराज शीघ्र प्रस्थान करें। जो आज्ञा तात्री। परंतु जाने से पहले मैं राजमुकुट का भार भ्राता श्री धृतराष्ट्र के शीश पर रखना चाहूंगा। मेरे लौट कर आने तक ये मेरे स्थान पर हस्तिनापुर के नरेश समझे और माने जाएं।
आइए भ्राताश्री। राजमुकुट स्वीकार कीजिए भ्राताश्री। लाइए मुझे दे दीजिए।